हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे अपने एक समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं कुछ फ्लावर्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, टिकोमा बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं और मैं लगभग अपने सारे वीडियो में आप लोग के साथ इनको शो करती रहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इधर एडेनियम भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, ये देखिए। और इधर सारे टिकोमा ही है मेरे, और ये मेरे मिनेचर हिबिस्कस जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। खूब सारे न्यू फ्लावर्स आते हैं बहुत ही प्यारे से। और इधर ये देखिए, काफ़ी सारे इधर मैंने बालसम की कुछ सीडलिंग की है। तो ये देखिए, ये भी ग्रो हो रहे हैं। और ये जिनिया, जिनिया बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। मेरे गार्डन में जिनिया काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और इधर ये देखिए, और कल तो रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया, बिल्कुल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। पूरे मेरे प्लांट, पूरा गार्डन ही मेरा इधर उधर बिखर गया था पूरा। सुबह काफ़ी टाइम लगा इसको समेटने में, मुझे ठीक करने में। और इधर देखिए सनफ्लावर, तो इस टाइम पे कभी भी तेज़ हवाएं और आंधी एकदम से आ जाती है। हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं जो कि गार्डन के प्लांट भी बहुत ज़्यादा, यानी आज मेरे इधर उधर सब बिखर से गए थे। ये मेरा बिल्कुल उखड़ से गया था प्लांट, इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। बिल्कुल ये देखिए नीचे से हिल भी रहा है अभी भी, तो मैं सबको ठीक करूँगी। उसके बाद सुबह से काफ़ी यानी काम करना पड़ गया बारिश की वजह से। और इधर देखिए, मेरा आज का टॉपिक जो है ये कॉक्सकॉम प्लांट पर है, तो आज मैं इस पर बात करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होते हैं। उनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि एकदम गार्डन को बहुत अच्छा लुक देती हैं। तो आप इनको गार्डन में अपने ज़रूर ऐड करिए, काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है। और जो एक सिलोसिया का प्लांट होता है वो भी इसी की फैमिली का प्लांट होता है। दोनों ही फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं और काफ़ी सारे उनके कलर भी मिल जाते हैं, येलो, रेड, पिंक, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी अच्छी वेल्डन बनानी है, एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग गार्डन की मिट्टी। तो तीनों को मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार करनी है, जो कि बहुत ही अच्छी यानी रिच सोइल तैयार करनी है, वेल्डन सोइल तैयार करनी है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने से इसमें फंगस लग जाता है प्लांट में और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप इसकी मिट्टी वेल्डन बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं प्लांट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इनकी केयर करें। और पानी आपको तभी देना है जब इसकी टॉप लेयर थोड़ी सी ड्राई हो जाए। थोड़ी सी यानी एक समर में तो थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पानी भरा भरा सा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट में फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट इसको 3-4 घंटे की सनलाइट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। वैसे तो फुल सन में भी ये चल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर नीचे से पत्तियाँ येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत तेज़ धूप में अगर, क्योंकि समर के भी तेज़ धूप बहुत ही ज़्यादा यानी तेज़ हो रही है धूप। तो मई जून के मंथ में आप इनको थोड़ा सा 4-5 घंटे की सनलाइट बस दीजिए सुबह की, बाकी यानी दोपहर की जो 12 बजे से लेके 3 बजे तक की सनलाइट है उससे थोड़ा सा बचा के रखेंगे तो प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करेंगे आपके गार्डन में और खूब ब्यूटीफुल लुक देते हैं गार्डन को। तो इस तरह से आप इनकी केयर करें। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो फर्टिलाइज़र एक बार जैसे हमने अभी इनको रिपोर्टिंग करते समय इनको दे दिया है, तो बार बार इनको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब जो नीचे की इसकी येलो हुई पत्तियाँ होती हैं इनको आप ऐसे निकाल कर हटाते जाइए, नहीं तो क्या होता है नीचे से फंगस मिट्टी में टच रहती हैं तो यहाँ से फंगस अटैक करता है और पत्तियाँ के साथ साथ फिर यानी फंगस लग जाता है प्लांट में। तो आप इनको ज़रूर रिमूव कर दीजिए यहाँ से प्लांट से। और देखिए कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट, यहाँ से देखिए इसमें स्टेम में एक ऐसे रूट्स निकल रही हैं जो, तो कटिंग से भी इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है और सीड से तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मेरे भी प्लांट, मैंने लास्ट ईयर जो सीड मेरे गिरे हुए थे अपने आप ही ग्रो हुए थे, तो मैंने इन सबको रिपोर्ट कर दिया है। देखिए कितने सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं और मेरे भी थर्ड फ्लोर पर और भी प्लांट इनके बहुत सारे ग्रो हुए हैं अपने आप ही। और ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह के इसके फ्लावर होते हैं, बड़े बड़े से फ्लावर काफ़ी यानी जब ये बड़ा सा फ्लावर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, छोटे में ही काफ़ी यानी खूबसूरत से दिखता है फ्लावर, छूने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको इसके सीड दिखाती हूँ, अगर एक दो दिख गए तो यहीं पर इसके सीड बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, मेरे हाथ में नहीं आ रहे क्योंकि बारिश की वजह से गीले हैं। ये देखिए इस तरह के सीड इसके होते हैं और ये जहाँ भी गिर जाते हैं इसके प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो आप इनको बहुत ही ईजिली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अगर एक बार एक प्लांट भी आपने लगा लिया तो फिर आपको गार्डन में प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सालों साल अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे और ऑल सीजन चलते रहते हैं।
मैंने विंटर में भी इसको लगाया था, काफ़ी दिनों तक ये चला, विंटर में भी चल गया था, और अभी समर में तो सीजन ही है इसका, समर में भी काफ़ी अच्छे से ये चलते रहते हैं। तो बहुत ही यानी अगर एक बार हम ले आते हैं गार्डन में तो ये ऑल टाइम चलते ही रहते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं, कभी भी उग जाते हैं और कभी भी फ्लावरिंग करते रहते हैं गार्डन में, तो हर समय फ्लावरिंग देते रहते हैं प्लांट, बहुत ही अच्छे यानी लो मेंटेनेंस प्लांट है। और सनलाइट की बात तो मैंने कर लिया, आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा सनलाइट नहीं देनी है इसको, तो काफ़ी अच्छे से यानी ये ग्रो होंगे और बहुत अच्छे ब्यूटीफुल लुक देंगे, एकदम ग्रीन ग्रीन लुक, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी पत्तियाँ ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, ये देखिए। और तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं हर 20 दिन 25 दिन में या फिर 1 महीने में, अभी वैसे नहीं है देने की ज़रूरत, क्योंकि मैं तो अभी जब आप ग्रो करते हैं प्लांट तभी आप एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, तो उसके बाद 1-1.5 महीना फिर कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं गार्डन में, कैटरपिलर, ग्रास ओपर और भी स्पाइडर वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप और भी कोई देख लीजिए कोई केमिकल, यानी मैं तो केमिकल का तो मैं यही कहूँगी कि आप समर में मत यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है और थोड़ा सा भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो प्लांट फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अगर नीम ऑयल से नहीं जाते हैं तो फिर आपको केमिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अगर नीम ऑयल से हट जाते हैं तो फिर उससे अच्छी और कोई भी बात नहीं है। और तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।